नमस्कार, आप देख रहे हैं पर्पल न्यूज़। मैं हूं नैन्सी। आज हम आपको लेके आए शक्ति नगर में, जहां पे एक ऐसा उपभोक्ता है जिसके घर 70 लाख रुपए का जो बिल आया है। अभी हम इनसे बात करेंगे, इनका क्या कहना है। 70 लाख रुपए का बिल बहुत बड़ी अमाउंट है। 70 लाख रुपए का बिल, हो सकता है डिपार्टमेंट से कुछ गलती हुई हो। अभी चलते हैं अंदर और बातचीत करेंगे इनसे, इनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दयाराम है। दयाराम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कितने समय से आपके साथ ऐसा हो रहा है, आज आपको 70 लाख के लगभग बिल आया है। 70 लाख के लगभग बिल आना मतलब बहुत बड़ी अमाउंट में बिल आया आपको। मेरे को 4-5 महीने से बिजली बोर्ड के चक्कर काट रहा हूँ। ये मान लो रीडिंग सही नहीं लेते हैं, ना कोई बिल देने आता है, मेरे को निकलवाना पड़ता है। निकलवाता हूँ तो इतनी बड़ी अमाउंट का है, कोई 34,000 का, कोई 26,000 का, कोई 22,000 के बिल आ रहे हैं जी। और मेरी कोई भी सुनाई नहीं हो रही बिजली बोर्ड में। आपने इनकी एप्लीकेशन दी है अभी? हाँ, मैंने 3-4 एप्लीकेशन दे रखी है बिजली बोर्ड। तो एप्लीकेशन का क्या रिप्लाई दिया बोर्ड? कुछ नहीं देते जी रिप्लाई, कुछ नहीं दिया। अभी जो 70 लाख का बिल आया उसके बारे में आपने क्या कार्रवाई की? मैंने आज बिल नहीं, कल मैं पेटीएम से बिल भर रहा था तो मैंने देखा इतना है। आज मैंने बिजली बोर्ड से निकलवाया है बिल, बिल भी नहीं दिया मेरे को इन्होंने। बिल भी नहीं? तो आपने जो अंतिम, जो आपने इससे पहले वाला बिल भरा था वो कितने रुपए का भरा था? पहले तो 5,000 का बिल भरता हूँ मैक्सिमम, 5,000-4,000 रुपए। अच्छा, जो आपने इससे पहले वाला बिल भी 5,000 का भरा? हाँ जी। अब ये 3-4 महीने से लगातार इतने बड़ी बड़ी अमाउंट के बिल आ रहे हैं। तो यहाँ मतलब आपके साथ ही ऐसा हो रहा है या और भी मोहल्ले में ही? और भी कईयों के ऐसे हैं कि जिसके पहले 2,000 आते थे उसके 15-15,000 रुपए बिल आ रहे हैं, 20-20,000 रुपए। और जब बोलते हैं तो कहते भर दो, अगली बार रजिस्टर कर देंगे जी। हमारा वही मैं बताने जा रहा था, जो हमारे जो बिल बनते हैं, जो रीडिंग लेके आते हैं, इसका हम ऊपर जैसे गुड़गांव इनकी HESL की एजेंसी HESL हमने लगा रखा है यहाँ मीटर रीडिंग लेने के लिए। हमने लेनी शुरू कर दी है जो RAP DRP टाउन्स है ना हमारी, तो NDS की हमने ऑनलाइन ले ली है, DS की भी कुछ एरिया में ले ली, कुछ एरिया में नहीं हो पाई, नेक्स्ट मंथ से ऑनलाइन रीडिंग हो जाएगी, ताकि ये जो किसकी रीडिंग का कम ज़्यादा का चक्कर है या कोई डिस्प्यूट है, भाई सही नहीं ली या गलत ली, तो प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी हमारी। सर इतना भारी तो ये मैं बता रहा था, प्रोसीजर बता रहा था इसका। जैसे फिर हमारा गुड़गांव जैसे जाता है इसका बिलिंग के लिए रीडिंग लेके, कुछ तो बताया ऑनलाइन हो ही जाएगा, चलो कुछ मैनुअली है, नेक्स्ट मंथ से हो जाएगा। खासकर जो हमारे टाउन्स है ना, RAP DRP टाउन्स है, पूरा सिरसा टाउन है, इसमें दो जैसे सब डिविजन पड़ जाते हैं, इंडस्ट्रियल और एरिया, ये सिटी एरिया की, और एक डबड़ी है, एक इलाहाबाद है। इन चारों का तो हम वैसे तो धीरे धीरे सारा ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑनलाइन उसकी वो लेंगे, CMRI हमारा इंस्ट्रूमेंट है, उससे रीडिंग लेंगे, उसकी डाउनलोड होगी, एग्जैक्ट जो रीडिंग होगी, बल्कि उसकी कोई टेम्पर होगी, कुछ होगी, सारी चीज़ें आएंगी उसमें, किसने कोई छेड़खाने भी की है मीटर में, सारा कुछ पता चल जाएगा। बट सर हमारा सवाल तो ये वही बताने जा रहा हूँ, आप वाली बात पे आ रहा हूँ। तो जो हमारे वहाँ से बिल बन के आता है तो यहाँ ऑडिट होती है उसकी बिलों की, ठीक है, उसमें देखते हैं क्या हमारे उसके हिसाब से बिल सही बने, कोई एबनॉर्मल बिल बनते हैं या कोई उसमें कोई और कोई कमी मिलती है, कोई एबनॉर्मलिटी है, किसका भाई बहुत ज़्यादा बिल बन गया या किसका बहुत ज़्यादा कम बन गया, तो वो सारी यहाँ प्री ऑडिट होती है। प्री ऑडिट होने के बाद ही हमारा प्रिंटिंग में जाता है बिल। तो ऐसी कोई अगर कोई है पर्टिकुलर, कोई स्पेसिफिक है, कोई 2-4 केसेज वो नहीं देख पाए, देखना चाहिए था उनको, नहीं देखा तो उन कंसर्न के खिलाफ इंक्वायरी कराई जाएगी, जो अप्रोप्रिएट एक्शन है एक्शन भी लिया जाएगा।